भाई साहब शाम को तो बीच पे भयंकर भीड़ हो गई। आई थिंक सारे लोग रथ यात्रा आपके लिए आए हैं। हम लोग अभी निकलते हैं मंदिर की ओर। प्रिपरेशन कैसी चल रही है? तो पीछे स्वर्ग द्वार था। अच्छा यहाँ पे आकर अंतिम क्रिया हो तो स्वर्ग प्राप्त होता है। लकड़ियाँ भी देखी मैंने इसीलिए। हाँ यहाँ प्रसाद बढ़ता है। मंदिर का प्रसाद है अलग से। अच्छा मठ कर दिए काम। बहुत बड़ा मठ है। भीड़ देखो भाई साहब श्रद्धालुओं की। अरे भैया इतना हॉर्न बजाएंगे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे आपसे। ये रथ भी कल खींचेगा फिर मेन रथ के पीछे ये वाला रथ चलेगा भैया बता रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं जगन्नाथ मंदिर। प्रशांत के साथ आए हैं तो कहते हैं कि 2017 से हमारी वीडियो देख रहे हैं। जो पहला वीडियो था वो भी इन्होंने देखा था, उसमें कमेंट भी किया था। तो हमने कहा कि वो आपका कमेंट आज हम खोज के निकालेंगे। और वो पहला कमेंट देखिए, इत्तेफाक की बात है कि जब मैं भुवनेश्वर आया था और पूरी आने का प्लान था तभी मैंने वो वीडियो बनाया था। और आज जब मैं पूरी आ गया हूं, तो यही मेरे को मिल गया और यही मेरे को लेके आया यहां पे। किस्मत है जगन्नाथ जी की परम लीला है। बिल्कुल। जो रथ है ये कल के लिए तैयार हो रहे हैं। इसमें से कौन कौन सा रथ किसका? सुभद्रा का कौन सा है? पहला वाला जगन्नाथ जी का, दूसरा सुभद्रा बालभद्र का भी आएगा। तो मंदिर का झंडा, इसके बारे में मान्यता है कि अगर इसको किसी भी दिन चेंज नहीं किया गया तो ये मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए हर शाम को सूर्यास्त पे ये झंडा बदला जाता है। रथ का ये वाला फ्रंट साइड है, रथ इस तरफ जाएंगे ना, इस तरफ से निकलेगा और शाम तक चलेगा ना? जी शाम तक। तो ये बाल भद्र जी का रथ है, इसको भी अभी यहाँ पे ला रहे हैं। सबसे आखिरी में आया है, सबसे पहले जगन्नाथ जी का रथ आया था, लेकिन कल सबसे आखिरी में निकलेगा जगन्नाथ जी का रथ, तो सबसे पीछे ये रहते हैं। ये है मंदिर का रसोई घर, यहाँ पे सारे श्रद्धालुओं का ये खाना बनता है। और ऐसे बोलते हैं कभी भी एक ना तो कम पड़ता है ना ये ज्यादा पड़ता है, जितने भक्त आते हैं रोज के रोज सबके लिए यहाँ पे खाना तैयार हो जाता है। रथ को घुमाने का क्या बता रहे फंडा? मतलब सिस्टम रहता है वहीं पे रथ के नीचे, कभी कभी रस्सी को सीधा सीधा नहीं बंधा होता रस्सी, मतलब ये कहने का मतलब है क्योंकि ये रास्ता जब जाएगा सीधा रास्ता नहीं है, ऐसे घुमावदार रास्ता है, बहुत बड़ा रहता है, कहीं फंस ना जाए। आज तक कभी फंसा है? कभी नहीं फंसा है। अगर कभी फंस जाता है तो वहाँ बोलते हैं भगवान की इच्छा के बिना रुकता नहीं है। रुकता भी नहीं है और चलता भी नहीं, चलता भी नहीं भगवान की इच्छा के बिना। ये रथ का रस्सी है नीचे जो है, वहाँ से यहाँ तक पुलिस लाके खींचेगी, श्रद्धालु है इसके बाद फिर वो खींचेंगे। ब्रेकिंग सिस्टम भी रथ का? जी हाँ, ब्रेक भी होता है। आप लोग सब भैया यहीं से पूरी से ही है? बाहर से आए? कहाँ से आए आप? वेस्ट बंगाल से आए आप? यहीं से रथ एकदम हमारे सामने आके रुक गया है। हर साल ये नया रथ बनता है। कितने लोग हैं इस पे? बोलते हैं मनुष्य का भार तो कुछ भी नहीं है, किसने भगवान को चलाया हुआ है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। फंस चुके हम लोग यहाँ पे, अब रथ निकल चुका, सारे लोग उस तरफ निकल रहे हैं बट हमें निकलना आगे की तरफ। बहुत भीड़ है भैया। अच्छा हम बच्चों को लेके नहीं आए, मैं अकेला आया यहाँ पे, लेकिन इस तरफ जाना भी इम्पॉसिबल हो चुका है। जैसे चक्र ना, ये बोलते हैं कि जिस डायरेक्शन देखेंगे उस डायरेक्शन से सीधा लगेगा ना। ये मंदिर का ही दक्षिण द्वार है, अश्व लगे भी है बाहर, यहाँ पे यहाँ से एग्जिट है। जय जगन्नाथ। सिंह द्वार से एंट्री है, बाकी तीनों द्वार से एग्जिट है। यहाँ सारा मंदिर का काम चल रहा है, पूरा परिसर को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये पश्चिम द्वार है, ये भी एग्जिट है, बाघ द्वार है, वो अश्व द्वार था। ये आ गया हमारा उत्तर द्वार। ये तीन द्वार हो गए, हमने पूरा मंदिर की परिक्रमा कर ली इसी बहाने। तो
कोई गलियां ऐसी है कि बनारस जैसी फील आ रही है थोड़ी हल्की। तो ये पर्सनल रथ बनाए लोगों ने कि किसके हैं ये? तो अभी मंदिर में रथ के दर्शन करके आ चुके हैं, प्रशांत के साथ बैठे हैं। तो निकाला सर आपका पहला व्लॉग जब अपलोड हुआ था ना, तो मैंने कमेंट किया था कि कभी पूरी आई आपको अपनी स्कूटी पे घुमाएंगे, आज इन्होंने घुमाई है। मैंने कहा चलो आपको वो कमेंट ढूंढते हैं और उसको आज हार्ड करते हैं। तो अभी ढूंढ रहा हूं मैं कौन से वीडियो में इन्होंने कमेंट किया था, हमें वीडियो ही नहीं मिल पा रहा। तो फाइनली ये वाला व्लॉग का हमें व्लॉग मिल चुका है। ये मेरा पहला व्लॉग था चैनल का 5 साल पहले। 3000 कमेंट है, कैसे ढूंढेंगे आपका कमेंट हम? मिल गया कमेंट, कौन सा वाला है? CCTR आप ऐसे वेदर पे क्यों आए फिर? कभी पूरी में मेरी स्कूटी के पीछे घुमाऊंगा पूरी। अच्छा नंबर भी दिख रहा है आपका भैया। डिनर आ गया है, डिनर खाते हैं। काफी ज्यादा अच्छा डिनर दिया है इन लोगों ने, लहसुन प्याज कल कुछ नहीं पी, कल जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने। नॉन वेज वैसे मैंने खाना छोड़ दिया और बस कल लहसुन प्याज नहीं खाना। सोशल मीडिया पे आपने जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसके बारे में काफी फैक्ट सुने होंगे, तो 2-3 फैक्ट्स की पुष्टि तो मैंने कर ली। जो ऊपर चक्र बना हुआ बोलते हैं, तो किसी भी डायरेक्शन से देखिए लगेगा आप उस चक्र को ऐसे ही फेस कर रहे हैं, उसका साइड कभी नहीं दिखता, तो वो ट्रू है। क्योंकि जब आप साइड में जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ इल्यूजन है। अब आप बोलेंगे इल्यूजन का मतलब, इल्यूजन भी एक कला होती है क्योंकि बहुत सोच समझ के उसको बनाया गया है। इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट प्लस साइंस। तो जब एकदम किनारे जाते ना, तो आपको हल्का सा ओवल हो जाएगा, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि साइड में। दूसरी चीज, जो मंदिर के ऊपर मेन झंडा लगा हुआ है, बोलते हैं कि वो हवा की डायरेक्शन से उल्टा उड़ता है। तो मान लीजिए अगर हवा इस डायरेक्शन की है तो झंडे सारे इस डायरेक्शन में उड़ेंगे, लेकिन बोलते हैं कि जो पूरी मंदिर का झंडा है वो हवा के विपरीत दिशा में फ्लाई करता है। ऐसा एकदम विपरीत नहीं होता, वो हवा के डायरेक्शन में फ्लाई नहीं करता, उसमें कुछ तो साइंस है, वो एट एन एंगल फ्लाई करता है। तो अगर बाकी झंडे सारे इस डायरेक्शन में हैं, तो वो झंडा इस डायरेक्शन में फ्लाई करता है। इट इज नॉट कम्प्लीटली ऑपोजिट, क्योंकि सोशल मीडिया में आप देखेंगे कि हमेशा ऐसा बताया गया कि उल्टा ही फ्लाई करता है। इट इज एट एन एंगल जो कि आपको साइड से ऐसा होगा। एंगल है, ऐसे फ्लाई नहीं करता वो, कुछ एंगल पे फ्लाई करता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा कैसे बनाया गया, कुछ तो उसमें साइंस है। तीसरी चीज बोलता है कि उसके ऊपर से कोई भी पक्षी फ्लाई नहीं करता, वो बिल्कुल सच है, मैंने कोई पक्षी नहीं देखा। तो मे बी उसके ऊपर कुछ ऐसा होगा कि पक्षी फ्लाई नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे मंदिरों में ऐसा होता है कि ऊपर जो पत्थर होता है मैग्नेटिक इन नेचर होता है, जिससे कि वहां पे कुछ मैग्नेटिक वेव्स डेवलप होती हैं, और जो गर्भगृह होता है वो अर्थ के एनर्जी सेंटर्स होते हैं। अर्थ में बहुत जगह ऐसी होती है जहां पे एनर्जी सेंटर्स होते हैं अर्थ में, और अर्थ भी एक खूब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होगा। तो मे बी वहां से जो मैग्नेटिक वेव्स होती है इंटरैक्ट करती हैं वो, और मंदिर के आसपास कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम क्रिएट करती होंगी जहां पे पक्षी फ्लाई नहीं कर सकते। ये था आज का दिन, अभी इस व्लॉग को यहां समाप्त करते हैं। शायद मैं रूम पे रह के अपना काम करूंगा, बाहर जाने का प्लान तो अभी नहीं, अगर बनता है तो देख लेंगे। अदरवाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। भगवान जगन्नाथ आप सबको बहुत अच्छा स्वास्थ्य दे और एक अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन दे। धन्यवाद।